हर 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 Rage on that beat, going crazy. सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सुबह के बज रहे हैं 3 और स्टार्ट कर दिया मैंने नया ब्लॉग और हम लोग आ चुके हैं जैन में और यहाँ पे देखिए पूरी आ गई है पलटन. जब से जैन आए यही नारा चल रहा है. तो हमारा एक रूम ये है और एक रूम है सामने, बट अभी हम लोग सभी यहाँ पे बैठे हैं. कुछ डिस्कशन चल रहा है कल कहाँ कहाँ घूमना है. तो यहाँ पे कुछ अनुभवी लोग हैं, जैसे मेरे पास ये क्या नाम है इसका कोहिनूर जिसका अनुभव यहाँ पे किसी काम का नहीं आया. पूरा ही चेंज हो गया. अच्छा जी, नहीं सही है. तो अभी फिलहाल तो हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे बाबा बम बम नाथ को देखना है. वो 3 बजे आएंगे थोड़ी देर में. भस्म आरती. सो गाइस मॉर्निंग के बज रहे हैं 4 और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है. सीरियसली बहुत ज्यादा. यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है ये लाइन है भस्म आरती की, बट हमें भस्म आरती तो मिल नहीं पाई. उसका रीज़न ये है कि हमारी पहले से प्री बुकिंग नहीं थी. जिनकी पहले प्री बुकिंग थी उन्हीं को ये आरती मिल रही है. तो यहाँ पे सभी लोग लाइन में लगे हैं और हम वेट कर रहे हैं. यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे एक भस्म आरती होती है जो कि जलते हुए मुर्दे की राख से आरती की जाती है महादेव की, और वो जो भस्म है वो लेके आते हैं बाबा बम बम. तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं वेट कर रहे हैं बाबा बम बम को देखने के लिए, क्योंकि वो जब आते हैं तो उनकी एक शाही यात्रा टाइप की होती है. तो देखते हैं हम वेट कैसा क्या है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है. तो भाई जाएंगे भस्म लेने के लिए, जो वो भस्म लाते हैं उन्हीं से भस्म आरती होती है और वही भस्म महाकाल की पूजा पे चढ़ती है. तो अभी एंट्री तो मिली नहीं है हमें भस्म आरती देखने के लिए. अभी जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम उतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और मज़ा तो बहुत आ रहा है. लेकिन बहुत ज़्यादा महाकाल की नगरी है. Rage on that beat, going crazy. तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं महाकाल के दर्शन के लिए. तो अभी यहाँ पे एक लाइन लग रही है बड़ी लंबी सी, तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ का क्या प्रोसेस है, प्रसाद वगैरह खरीदते हैं और यहाँ से दर्शन मिल जाएंगे हमें महाकाल के. महाकाल हम लोग चल चुके हैं गाइस मंदिर की ओर. लगा लिया है टीका, सब लोग चले जा रहे हैं. काफी ठंड है, सब लोग कैसा फील हो रहा है. बाबा जन्नत जन्नत में आ चुके हैं. फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर पे. भोलेनाथ आपकी सही मनोकामना को पूर्ण करे. सो गाइस कंटिन्यू चल रही है लाइन और थोड़ी देर में हम लोग जाने पहुंचने वाले हैं. मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. मम्मी हाँ. क्या बोलते We'll be right back.
बन के टूट जाते हैं, महाकाल बुलाते हैं, वही महाकाल आते हैं, बोलो जय शिवा काल। फाइनली हम लोग आ चुके हैं महाकाल जी के दर्शन करके। हम लोग ने नहा लिया था मॉर्निंग में सुबह 4 बजे, बहुत काफी ठंड लगी। हम लोग वापस जा रहे हैं नहाने के लिए, यहाँ पे राम घाट है क्योंकि यहाँ पे स्नान करना जरूरी है। तो हम सब लोग जा रहे हैं नहाने के लिए कपकपाती ठंड में। तो पड़ेगा भाई, आए तो घाट पे तो नहा के जाएंगे। ये हमारे सेकंड बार है नहाना। हाँ भाई, ठंड में, वो भी ठंड में। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिप्रा नदी, और यहाँ पे एक घाट है जो कि राम घाट नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं स्नान करने, नहाने। लेकिन आधी पलटन मेरी बोल रही है कि हम नहीं नहाएंगे ठंडी के कारण। यहाँ पे मेरे पापा पूरी तरह से तैयार हैं डुबकी मारने के लिए, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो नहाएंगे और यहाँ से अगले मंदिर जाएंगे। पानी को छूना मतलब मौत को छूना, और मैं मौत को टक से छू के वापस आता हूँ। सो गाइस सब नहाने की बातें कर रहे थे, आधे लोग ठंडे पड़ गए हैं। मैं सबसे पहले नहा कर बाहर निकल आके आया हूँ। कुछ लोग जोश में आ गए, भाई नेक्स्ट जोश में आ गया है। वैसे तो सभी नहा चुके हैं ऑलमोस्ट सब, बस ये रेमो भाई जो कि बिल्कुल नहीं नहाए, बस ओंदे बस ओंदे परसों ही नहाया था। चुके घाट पे हम लोग नहा रहे हैं। सो फाइनली हम सभी ने नहा लिया है यहाँ पे। क्या मजा आया, काफी ज्यादा ठंड है लेकिन सभी ने नहाया, कुछ ने नहीं नहाया, कुछ खिलाड़ी है मेरे। फुल नहाए सब लोग। हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, सभी को भूख लगी है, कुछ खाते हैं, और खाने के बाद यहाँ से देखते हैं कि आगे किस मंदिर में जाएंगे। मैंने परसों ही नहाया था इसलिए मैंने। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए, नहा लिया है सभी ने, सभी लोग गाड़ी पे। यहाँ पे रेमो को छोड़ के रेमो आगे बैठा, उसको उल्टी हो रही है। भैरव बाबा, काल भैरव का मंदिर है जहाँ पे भैरव बाबा दारू पीते, तो वो वहाँ पे वो मंदिर है। फाइनली अब लोग आ चुके हैं भैरव बाबा जी के मंदिर पे। यहाँ पे ये खास बात है कि यहाँ पे चढ़ती है दारू भैरव बाबा जी को। यही प्रसाद अभी बटेगा, और ये मेरे अनमोल रतन प्रसाद को ग्रहण करेंगे वो लोग। ये है, हम लोग तो नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पे हम लोग महाकालेश्वर से निकले हैं, तो एक मंदिर हमने घूम लिया है, और मंदिर जो है हम लोग गढ़ कालिका। तो यहाँ पे है गढ़ कालिका मंदिर जिसकी प्रतिमा है अंदर, तो काफी ज्यादा एंजॉय आ रहा है। सो गाइस फाइनली हमने काल भैरव मंदिर के पूरे दर्शन कर लिए, और वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया था, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं अच्छे से दर्शन करके, और नेक्स्ट मंदिर है मंगलनाथ जी का मंदिर, और ये है विश्व में एकमात्र एक सा मंदिर, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा है। तो ये मंदिर का मेन काम ये है कि जिनकी कुंडली नहीं मिलती, दोष होते हैं, वो लोगों की पूजा यहाँ पे की जाती है। और अंदर शिव जी का मंदिर है ये, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और काफी काफी बड़ा स्पेस है, काफी बड़ा। सो गई
गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और आ गए हैं रेलवे स्टेशन। सारे मंदिरों के कर लिए हमने दर्शन और यहाँ पे बैठी है पूरी फैमिली। वहाँ पे पक्की भाई ये लोग बैठे हैं, यहाँ पे निक भाई बैठा है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ और हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का। ऑर्डर दे दिया है, यहाँ से हम लोग खाएंगे खाना और सामने ही है रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे हमारी ट्रेन है तो वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा भोपाल। तो अभी फिलहाल तो कुछ खाया नहीं है भरपेट, तो पहले खाना खाते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं। चिल्ला चिल्ला के महाकाल का नारा लगा लगा के गला बैठ गया, बोलो बम बम। फाइनली पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन है आने वाली, सिर्फ 10 मिनट बचा है ट्रेन आ जाएगी और यहाँ से निकल जाएंगे हम भोपाल के लिए। सो गाइस फाइनली मिल गई है हमें हमारी ट्रेन और यहाँ पे हम लोग गए हैं बैठ, यहाँ पे पापा मम्मी भी बैठे हैं और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा आ जाओ आ जाओ, ये भैया पापा मम्मी भी बैठ गए हैं और फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं। इसमें हमारी वो आगे वाले बोगी में है और हम लोग सीट नंबर सबके अलग हैं, तो हम लोग उज्जैन से निकल रहे हैं भोपाल के लिए और यहाँ से आप भोपाल में मिलेंगे। थोड़े थक गए हैं तो डायरेक्ट भोपाल में ही मिलेंगे। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भोपाल हमारा शहर। यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही सुकून है और फिलहाल अभी ढूंढना है आधे बच्चों को जो कि रेमो और बाकी लोग आगे वाले बोगी में थे, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं उनको रिसीव करते हैं और फिर यहाँ से सभी लोग घर निकल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा थक गए सभी के सभी। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम हमारे भोपाल और यहाँ पे मिल गई है मेरी पूरी टीम, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। ये ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि ब्लॉग कैसा लगा। हर हर महादेव।